क्या हुआ रमन, कैसे परेशान है? कुछ नहीं भाई। क्या हुआ, ऑफिस में कोई बात हुई क्या? अरे बोला तो कुछ नहीं। असलम भाई बता रहे थे ऑफिस से, असलम भाई की कॉल आई थी, कुछ हो गया ऑफिस में। असलम भाई को और कोई काम नहीं है, तुम्हें फोन करके चुगली कर दिया उसने। बस बता रहे थे क्या चल रहा है तेरे साथ ऑफिस में। यार बॉस की कोई प्रॉब्लम है क्या हमसे? प्रॉब्लम ये है कि वो हमारा बॉस है। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, पर हमारे लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यार सुबह से लेकर शाम तक कोई काम करता है, और शाम को उससे सुनने को क्या मिलेगा, तुमने दिन भर किया क्या? यार तुम्हारा काम ही तो कर रहा हूँ, एक तो दिन भर में 100-200 बार कॉल कर देगा, हर घंटे कॉल करेगा ये जानने के लिए कि तुम कर क्या रहे हो। यार तेरा काम ही कर रहा हूँ, फेसबुक या इंस्टाग्राम थोड़ी ना चला रहा हूँ। इतना कॉल तो कोई अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं करेगा यार, जितना वो कॉल मेरे को एक दिन भर में कर देता है। और तो और सैटरडे को जैसे छुट्टी होती है और मैं निकल रहा होता हूँ, ठीक उसी टाइम कॉल करेगा मेरे को। उसी टाइम कॉल करके बोलेगा बेटा 5 मिनट रुको, मैं अभी आ रहा हूँ, कुछ काम है। लो हो गया लेट नाइट तक काम करने का तुम्हारा प्लान, छुट्टी। उसके बाद तुम्हें कैबिन में बुला के अगर प्यार से तुमसे बात भी कर रहा है, तो ये मत समझो कि तुमसे बहुत प्यार करता है। नहीं, प्यार नहीं करता है वो तुम्हें अब दूसरा काम देने वाला है जिसे तुम बिल्कुल मना नहीं कर सकते, तुम्हें करना ही पड़ेगा। तुम मना तो कर नहीं सकते। बोलेगा प्यार से कि बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्लाइंट को जल्द से जल्द मेल करना है, और इसीलिए तुम्हें दे रहा हूँ कि तुम ये कर सकते हो। लो अब काम तो करना ही पड़ेगा। अब जैसे काम तुम स्टार्ट करोगे, फिर उसका रिप्लाई क्या आएगा, कुछ देर में, कुछ 10 ही मिनट में आएगा वो, और बोलेगा कि बेटा मैं जा रहा हूँ कहीं 10 मिनट के लिए, तुम काम करो मैं आ रहा हूँ। वो नहीं आने वाला, इतना समझ जाओ, वो आने वाला नहीं है। बस तुम्हें इसीलिए जा रहा हूँ कि तुम्हें हर बार 10 मिनट में पिंच करता रहे, पोक करता रहे कि हाँ बेटा तुम काम कर रहे हो ना, क्या कर रहे हो, अभी तक काम नहीं हुआ, अभी तक वेट कर रहा है मेरा क्लाइंट, कब काम करके दोगे, इसीलिए तुम्हें ये काम दिया था, तुम्हें विश्वास था, ऐसे ऐसे बोल के तुम्हें हर बार मतलब परेशान करता रहे। और ठीक जैसे काम तुम्हारा कंप्लीट होने वाला होगा, ठीक उसी टाइम उसका कॉल भी आएगा कि बेटा अभी तक काम नहीं कंप्लीट हुआ, मेल नहीं किया तुमने, तुम क्या कर सकते हो। तुम्हें तो एक तो इतना पनौती है कि तुम उस टाइम उसको रिप्लाई भी क्या दोगे कि हाँ 5 मिनट में कर ही रहा हूँ सर। अब तुम्हारे घर वाले तुम्हारा वेट कर रहे हैं कि कहीं तुम्हारा डिनर जाने का प्लान था, लेकिन तुम तो जा नहीं सकते क्योंकि तुम्हें तो काम करना है। अब जैसे काम कंप्लीट करके तुम घर जाओगे, घर वाले तब तो खा पी के सोए रहे होंगे। यार परेशान हो गया मैं, एक तो ये चमचे, ऑफिस के चमचे, हर चीज का एक्टिविटी का खबर बॉस को पहुंचाते रहते हैं। स्कूल में थे तो सोचा कि स्कूल के जितने भी चमचे हैं वो मतलब पहले तो पता नहीं था कि ये चमचे हैं, लेकिन हर बात जब मैम को पता चल जाता था और हमारी सुताई होती तब पता चला कि साला इधर चमचे भी हैं। उसके बाद सोचा कि कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज में नहीं मिलेंगे, लेकिन कॉलेज में तो पता चला उससे भी बड़े चमचे इधर भरे पड़े हैं। यार जब पढ़ने का मन नहीं होता था और उस टीचर को खुदिया दिला देते कि सर यार सर आज तो आप टेस्ट लेने वाले थे, उसका क्या हुआ, उसके बाद सुताई अलग। सोचा ऑफिस में जाएंगे, ऑफिस का मजा कुछ और होगा, मौज करेंगे, लेकिन ऑफिस में आने के बाद पता चला कि उससे ज्यादा कई ज्यादा भरे पड़े हैं चमचे इधर। हर चीज का एक्टिविटी का खबर बॉस को पहुंचाते रहे कि हाँ कहाँ बैठ रहा हूँ, कहाँ उठ रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, कब खा रहा हूँ, कब पी रहा हूँ, कब टॉयलेट जा रहा हूँ, कब निकल रहा हूँ, कब आ रहा हूँ, सब चीज का। और बॉस भी तुम्हें तब नहीं बताएगा, बॉस तुम्हें तब बताएगा जब तुम्हारी सैलरी बढ़ाने का बात आएगा। जब सैलरी बढ़ाने का बात आएगा तब वो बताएगा कि हाँ तुम्हारी क्या क्या गलतियां थी, तुम क्या क्या करते थे ऑफिस में। और जब मतलब कभी तुम बॉस से छुट्टी तो मांग लो यार, छुट्टी मांगोगे तो वो ऐसे दिखाएगा जैसे उसकी किडनी या फिर उसकी गर्लफ्रेंड मांग ली। और बॉस से यहाँ पे अब तुम सैलरी अगर एक बार बढ़ाने के लिए बोल दो तो तुम्हें ऐसे दिखाएगा जैसे तुम्हें कमियां भरी पड़ी हैं, तुम्हें कुछ काम नहीं आता, तुम्हें मेहनत करने की और जरूरत है, तुम्हें इम्प्रूव करना है, तुम्हें चलो कोई बात नहीं तुम्हें दूसरी चांस दिया जाता है। मतलब ऐसे दिखाता है, दूसरी चांस देता है जैसे हम मतलब जरूरत है, हमें बहुत भूखे हैं हम लोग दूसरी चांस के लिए। यार उसे मेहनत दिखती नहीं हमारी, कैसा बंदा है यार। यार ये जॉब तो मेरे मतलब लाइफ की लगा के रखी है हमारी। यार कुछ भी कर लो बॉस को कोई खुश नहीं रख सकता, कोई खुश नहीं रख सकता इस दुनिया में, मैं लिख के दे रहा हूँ। कुछ भी कर लो यार, लेकिन किसी को आर्किटेक्ट मत बनने, क्योंकि एक आर्किटेक्ट की लाइफ मतलब लाइफ लाइन खींचने में ही निकल जाती है, लग के रह जाती है लाइफ उसकी। सही कह रहा है भाई, सेम हियर। चल यार भाई चल, चाय पी के आते, चल सिनेमा चल। ठीक है चलो फिर चलते हैं।
हेलो एवरीवन, हाय गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज 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 लाइक करना ना भूले और शेयर करना ना भूले गाइस, कमेंट जरूर करिए और जो भी है कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। हाँ गाइस, एक काम जरूर करना, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटा दबाना ना भूले। I never give up. Fake it till I make it. Motherfucking take it back from these.